हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। टुडे आई शैल राइट अबाउट ए डिक्टेशन वर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, स्टैंडर्ड फर्स्ट। एंड नाउ टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक। ओके, सब बच्चे लोग अपनी अपनी नोटबुक के अंदर एडिंग लगाएंगे। ऊपर लगाओ डिक्टेशन। ओके, और रोज़ की तरह 1 to 10 और 11 to 20 नंबर लगाओ। मैं एक एक लेटर आपके सामने दो दो दफ़ा बोलूँगी, एक एक वर्ड दो दो दफ़ा बोलूँगी। आपको एकदम ध्यान से सुनना है और लिखना है। ओके, चलो पहला वाला वर्ड है एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट का मीनिंग होता है अवकाश यात्री। ए एस टी आर ओ एन ए यू टी, एस्ट्रोनट यानी कि अवकाश यात्री। ओके, फिर से मैं ये स्पेलिंग रिपीट कर रही हूँ आपके सामने। ए एस टी आर ओ एन ए यू टी, एस्ट्रोनट। ओके, नंबर सेकंड में लिखो नाइट। एन आई जी एच टी, नाइट। एन आई जी एच टी, नाइट। नेक्स्ट में लिखो एरोप्लेन। ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर रही हूँ। ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। चलो नंबर 4 में लिखो मग। एम यू जी, मग। नंबर 4 में लिखो एम यू जी, मग। मग के बाद होगा मुंह। एम ओ वी ई, मुंह। एम ओ वी ई, मुंह। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मम। एम यू एम, मम। एम यू एम, मम। नंबर 7 में होगा मदर। एम ओ टी एच ई आर, मदर। मदर यानी मम्मी। फिर से एम ओ टी एच ई आर, मदर। फिर नेक्स्ट है नंबर 8 में मड। एम यू डी, मड यानी कि जो कीचड़ होता है ना, मिट्टी का। हाँ, कीचड़, कीचड़। हाँ, एम यू डी, मड। फिर है वैस, वी ए एस ई, वैश। वी ए एस ई, वैश यानी कि जो हम फ्लावर रखते हैं ना शो के लिए, उसे वैस कहते हैं। वेल, नेक्स्ट है वी ए एल ई, वेल। ऑल। फिर नेक्स्ट है वी ए एल ई, ऑल। फिर नेक्स्ट है 12, नंबर 11 में व्यू। व्यू का मीनिंग क्या होगा? देखना। क्या होगा? देखना। वी आई ई डब्ल्यू, व्यू। वी आई ई डब्ल्यू, व्यू। फिर है वैन, वी ए एन, वैन यानी एक जो व्हीकल है उसका नाम है वी ए एन, वैन। वॉट,
VOTE वॉट। जब हम इलेक्शन में जाते हैं ना, इलेक्शन चलता है तब हम सबको वोटिंग करते हैं ना, जो किसी भी एक व्यक्ति की पसंद की करते हैं तब उसे वोट देने जाते हैं ना, वोट। हाँ, VOTE वॉट। नेक्स्ट है वेव, WAVE वेव। वेव क्या होगा? वेव वेव का मीनिंग क्या होगा? पानी की लहर। पानी की लहर जो उसके मोजे आते हैं ना, पानी की लहर में से इस तरह से पानी में जो होता है ना, ऐसे ऐसे पानी की लहर। WAVE वेव। फिर है वॉल, WALL वॉल। WALL वॉल। वॉल वॉल इसलिए दीवार भी होती है यहाँ। वेल इसलिए WELL वेल इसलिए अच्छा भी होता है, WELL वेल इसलिए कुआ भी होता है, और WALL वॉल यानी कि कुआ भी होता है, कुआ होता है, सॉरी दीवार होती है, WALL वॉल यानी कि दीवार। अभी WAX वैक्स का होता है, जो मधुमक्खी अपना जो घोंसला जैसा ऐसा रहने का जो बनाती है ना, मधपुरा बीहाइव बनाती है ना, बीहाइव, हाँ वो बीहाइव को हम वैक्स कहते हैं, WAX वैक्स। फिर नेक्स्ट है विंड, विंड यानी होता है पवन। क्या होता है? पवन, हवा। WIND विंड, WIND विंड। फिर नेक्स्ट है बॉक्स, BOX बॉक्स, BOX बॉक्स। फिर नेक्स्ट है साउंड, SOUND साउंड। नेक्स्ट है SOUND साउंड। फिर है यहाँ पर पर्सन, PERSON पर्सन। नेक्स्ट है पर्सन, PERSON पर्सन यानी कि व्यक्ति होता है, साउंड इसलिए जो हम आवाज़ निकालते हैं ना उसे साउंड कहते हैं, और पर्सन यानी कि व्यक्ति, PERSON पर्सन। बस आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, कल हम आपको फिर से एक नए वीडियो मिलेंगे। आप अपनी नोटबुक के अंदर ये जो डिक्टेशन वर्ड्स है वो लिख लेना, और कुछ वर्ड जो है, और बाकी के एक वन टाइम लिखने के बाद आपको ये सारे के सारे जो वर्ड है, 20 वर्ड है, वो आपको कितनी दफ़ा लिखना है, एक वर्ड है वो 3 टाइम्स लिखना है, कितनी दफ़ा? 3 टाइम्स होमवर्क करना है। और आप फिर आपको लर्न बाय हार्ट एकदम तैयार करना है बोल बोल कर। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।